आप लोगों ने मार्केट्स में अभी देखा होगा ऑफ लेट स्पार्कलिंग वाटर की बॉटल्स। क्या स्पार्कलिंग वाटर पीना आपके दांतों के लिए अच्छा है? नाउ बिफोर मैं आपको बताऊं कि वो आपके दांतों के लिए अच्छा है कि नहीं है, पहले हम ये समझते हैं कि स्पार्कलिंग वाटर या कार्बोनेटेड वाटर होता क्या है। नॉर्मल साधारण पानी, दैट इज़ जिसमें हमने प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर डाल दी है, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर आर्टिफिशियली बनता है, वाइल अगर ये सेम आप नेचुरली आपके अर्थ से एक्सट्रैक्ट करके आप बॉटल करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज योर स्पार्कलिंग वाटर। दोनों में फ़र्क क्या है? स्पार्कलिंग वाटर में मिनरल्स होते हैं जो इवन कार्बोनेटेड वाटर में होते हैं, बट कार्बोनेटेड वाटर में कई बार कुछ फ्लेवर्स, कुछ सॉल्ट्स एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। पर अब क्वेश्चन ये है, क्या इसको रेगुलर पीना हमारे दांतों के लिए सेफ है? वेल, एज सच इतनी कोई रिसर्च अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है जो ये बोल सके कि कार्बोनेटेड वाटर या स्पार्कलिंग वाटर फॉर एन इंस्टेंस आपके दांतों के लिए सेफ है। पर अगर हम लॉजिकली सोचें, गोइंग बैक टू आर केमिस्ट्री लेसन्स, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करेगा तो वो एक एसिड बनाएगा कॉल्ड एज योर कार्बोनिक एसिड। एंड सिंस हम जानते हैं कि कुछ भी एसिड हमारे अगर इनामल के ऊपर लगता है तो वो उसको डिसॉल्व करना चालू करता है, उसको हार्म करना चालू करता है। तो अब आप ये सोचो, अगर आपका इनामल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गायब हो जाएगा तो क्या आपको सेंसिटिविटी के इश्यूज नहीं आएंगे? डेफिनेटली आते हैं। तो इस वजह से स्पार्कलिंग वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीना इज़ नॉट कंसिडर्ड सेफ एज ऑफ नाउ, बट दिस इज़ ऑल वॉट वी फील। एज ऑफ नाउ इतनी रिसर्च है नहीं कि हम इस चीज़ को सब्सटैंशिएट कर सके। पर अगर आपको स्पार्कलिंग वाटर पीना है, आप बिल्कुल पियो, ऐसे कोई मना नहीं है, पर ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये जो तीन पॉइंट्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। पहला, आप जब भी स्पार्कलिंग वाटर पिएं तो उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। एट द सेम टाइम आप ये भी ध्यान दें कि आप फ्लोरिडेटेड पानी, दैट इज़ नॉर्मल रेगुलर पानी ज़रूर पिए, क्योंकि फ्लोराइड आपके ये डैमेज को थोड़ा बहुत रिवर्स करने में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर उसमें कुछ एडिड फ्लेवर्स हैं जैसे कि लाइम है या ऑरेंज फ्लेवर है, तो इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड है ना। ऑलरेडी कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है प्लस सिट्रिक एसिड और ऐड हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसिड्स आपके इनामल के सर्फेस को हार्म करेगा एंड सेंसिटिविटी के चांसेस आपके बढ़ा देगा। तीसरी टिप जो ध्यान में रखनी है कि अगर ये फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, विच मीन्स अगर इनमें फ्रूट फ्लेवर्स मिलाए गए हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या शुगर्स मिलाई गई हैं, तो ये आपके कैविटी का रिस्क बहुत बढ़ाने वाला है। तो प्लीज़ हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर ही इस चीज़ को आप यूज़ करना स्टार्ट करें। सो ये थे कुछ टिप्स रिगार्डिंग स्पार्कलिंग वाटर, आपको पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। वेल, आप बिल्कुल पी सकते हो, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप पिकअप कर लो, बट लॉन्ग टर्म में प्लीज़ स्पार्कलिंग वाटर को रिप्लेस मत करो आपके रेगुलर वाटर से।